क्वार्टर नंबर 89 पर मैच दिखाने जा रही हूँ। पहले डिस्क्लेमर, तो अभी हम लोग चलते हैं मेरे हाउस टूर पे, आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विटी टेल्स। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं आज दिखाने वाली हूँ मेरा होम। मैं जहाँ पे रहती हूँ कोलकाता में, मैं रहती हूँ सॉल्ट लेक में, और यहाँ मैं क्वार्टर में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो हम लोग CPWD क्वार्टर्स में रहते हैं। तो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि CPWD क्वार्टर्स कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये घर है, पर 1 मिनट यहाँ से नहीं, हम लोग बाहर से शुरू करेंगे। चलिए मेरे साथ। तो ये है हमारा चिल्ड्रंस पार्क। तो ये हमारा चिल्ड्रंस पार्क, थोड़ा बहुत स्लेप और झूला वगैरह है, और यहाँ पे लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। चलिए अब दिखाऊंगी मैम अपना घर। कम हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर पे। तो ये है मेरा क्वार्टर नंबर 89 पर मैच दिखाने जा रही हूँ। पहले डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, तो हाउस बहुत मेसी है और आधा चीज़ पैकिंग हो गया है, आधा चीज़ हो रहा है। तो लास्ट मिनट मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हाउस टूर दे दूँ, तो इस वजह से। सो डोंट जज बाय द लुक, कम इनसाइड। तो यहाँ पे एक जूता रखने का केस है, मुझे ना सेलो टेप लगा के मैंने रखा है क्योंकि मेरी बेटी टान टान के खोलती है और उसके सर पे लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने पैक करना स्टार्ट कर दिया है। पर ये एक हॉल है जहाँ पे छोटा सा मेरा पूजा स्पेस है, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था सिटिंग एरिया बनाएंगे अच्छा वाला, लेकिन उससे पहले ही हम लोग रैप अप करके जा रहे हैं। तो ये है एक हॉल, उसके बाद ये और एक एरिया है छोटा, जहाँ हम लोग का फ्रिज, माइक्रोवेव का एक टेबल था, और यहाँ शेल्फ में भी कुछ कुछ चीज़ें रखा हुआ है। ये भी थोड़ा मैसी है क्योंकि सब कुछ उल्टा सीधा होके रखा हुआ। तो ये एक प्लेस है, और यहाँ से हम लोग का बालकनी का दरवाज़ा भी खुलता है। ये बालकनी जो कि कपड़ों से भरा हुआ है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, तो कपड़ों से पूरा भरा हुआ है और सूख रहा है सब कपड़ों। तो यहाँ का बस, यहाँ से जितना भी सारा बस जाता है आता है, हावड़ा का बस या फिर करुणामयी का बस यहाँ से सामने से चल जाता है। तो उसके बाद मैं अपना रूम्स दिखा रही हूँ। नहीं, इससे पहले मैं दिखाती हूँ, ये किचन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये शेल्फ, लेकिन बहुत ऊंचा है, हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ और एक शेल्फ बनाएंगे, पर टाइम नहीं था अभी। हाँ, तो यही है बस किचन छोटा सा, बस वॉशिंग एरिया यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग का बाथरूम है, तो बाथरूम क्या ही दिखाऊँ। तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, मतलब शावर एरिया है, और यहाँ पे टॉयलेट एरिया है, दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिन है, बस यही है। और यहाँ पे 2 रूम्स हैं हमारे पास। तो ये रूम तो ऑलरेडी हम लोगों ने सारा बेड पैक कर लिया है, जैसे पूरा सीधा हम लोग का दिखता है पार्क, और वहाँ पे जो ये यहाँ से दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जो भी होता है सब कुछ हम लोग का खिड़की से दिखता था। तो ये बहुत मिस करूँगी, जो भी सेलिब्रेशन होता था सब दिखता था यहाँ से, और यहाँ से बहुत अच्छा हवा भी चलता है। तो ये खिड़की है, और ये खिड़की है, और ये एक अलमारी है जो कि घर के साथ मिला था। यहाँ पे कुछ कुछ रख सकते, पर यहाँ का शेल्फ मिसिंग था। दूसरा रूम ये है, वहाँ भी दो खिड़की है,
रूम ये है जो कि वहाँ पे दो खिड़की है बस, और ट्वीटी अभी सो रही थी और मैं सूट कर रही हूँ तो उठ गई है। तो यही था मेरा हाउस टूर, और फिर आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर्स कैसा होता है। तो मैं अभी शिफ्ट होने वाली हूँ कहीं और, तो मैं देखते रहिए मेरा ब्लॉग्स जानने के लिए कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ और वहाँ पे मेरा घर कैसा दिखेगा। तो टिल देन बाई। उस दिन हम लोग को निकलना था हमारे होम टाउन के लिए जो कि है खड़गपुर, और उससे पहले हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया। तो यहाँ मैंने एक बंगाली वेज थाली ऑर्डर किया था जिसमें था राइस, मूंग दाल, और यहाँ पे था झुरझुरे आलू भाजा, मतलब आलू फ्राई होता है लेकिन क्रिस्पी, और यहाँ था आलू पोस्तो जो कि होता है खसखस और आलू का एक सब्ज़ी, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेल था। और इसमें और एक चीज़ भी था जो कि है शुक्तो, जो कि थोड़ा सा करवा और करेला से बनता है जो कि मैं नहीं खाती, इस वजह से मैंने विनय के प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये वेज थाली से मेरा बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस था, इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया, और विनय ने ये बाव ऑर्डर किया था जो कि सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग पैकिंग करके निकल पड़े हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खड़गपुर जो कि मेरा और विनय का होम टाउन है, तो वहाँ हम लोग कुछ दिन रहेंगे और विनय फिर से यहाँ कोलकाता में वापस आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टर में बहुत सारा सामान है और सब कुछ शिफ्टिंग करा के क्वार्टर खाली भी करना है। तो अभी मैं थोड़ा दिन खड़गपुर में रुकूंगी और वहाँ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि मैं खड़गपुर में क्या क्या करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ ऑपोजिट साइड में हम लोग का CPWD का एंट्रेंस भी है, और हम लोग रुके थे ऑटो के लिए क्योंकि हम लोग फेरी से जाने का प्लान था। यहाँ ट्वीटी कैब में थोड़ा वॉमिटिंग होता है उसका, तो इस वजह से हम लोग फेरी में जाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे उस दिन मौसम भी अच्छा था तो अच्छा हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी तो हमेशा ही कोलकाता में ज़्यादा ही होता है। और उस दिन जो घाट में हम लोग जाने वाले थे आरीतोला, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस वजह से हम लोग दूसरा घाट में आ गए। और सामने से मुझे दिखा ये सुंदर सा क्रूज़ जो कि जा रहा था, यहाँ पे बैठने का मुझे बहुत दिनों से मन है, पता नहीं कब पूरा होगा, और यहाँ से कितना अच्छा ही व्यू आता होगा सारे जगहों का। और इसका अलग सा पैकेजेस भी होता है मैंने सुना है। और यहाँ पर फेरी में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियोस बनाने का। तो इसके बाद आने वाला है खड़गपुर का व्लॉग, तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, और मैं मिलती हूँ आपको नया व्लॉग के साथ। टिल देन बाई।